नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति और इन डालते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व निर्देश के पालन में राज्य शासन ने अपनी होर्डिंग नीति का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दिया है, जिसके आधार पर राज्य के समक्ष विभिन्न बिंदुओं पर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं। बुधवार को प्रशासनिक न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और जस्टिस अनुराग कुमार श्रीवास्तव की युगल पीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य की ओर शासनिक अधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने पक्ष रखा। उन्होंने अवगत कराया कि होर्डिंग नीति को अंतिम प्रारूप तैयार हो गया है, अब अगले चरण में आपत्तियों पर विचार होगा। इंदौर के एमवाय अस्पताल में अब किसी संस्था द्वारा दिए गए स्ट्रक्चर और व्हीलचेयर नहीं चलेंगे। अधीक्षक ने साफ कहा है कि संस्था यदि ये सुविधा दे रही है तो कर्मचारी भी दें। एमवाय अस्पताल में पिछले कुछ समय से सुफलाम सामाजिक संस्था सुबह 7 से रात 11 बजे तक स्ट्रक्चर और व्हीलचेयर की सुविधा मुहैया करवा रही है। इन्हें प्याऊ के पास रखा जाता है। करीब 50 स्ट्रक्चर और व्हीलचेयर ओपीडी, कैजुअलिटी और वार्डों में इस्तेमाल होते हैं। संस्था वाले मरीज के परिजन का पहचान पत्र लेकर स्ट्रक्चर और व्हीलचेयर देते हैं। इस व्यवस्था पर एमवाईएच अधीक्षक ने आपत्ति लेते हुए कहा कि संस्था के स्ट्रक्चर और व्हीलचेयर मरीज के परिजन धकेलते हैं, इससे अस्पताल की बदनामी होती है, इसलिए सुविधा के साथ कर्मचारी भी उपलब्ध करवाओ। भोपाल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक रहे सुहास कुमार भगत ने बुधवार शाम संगठन महामंत्री के रूप में भाजपा की कमान संभाली। इस पद पर रहे अरविंद मेनन को विदाई दे दी गई। जल्द ही वह मेनन के साथ संभागीय दौरे पर संगठन की जमीनी हकीकत से रूबरू होंगे। प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में पार्टी के दिग्गज नेताओं ने खड़े होकर उन्हें अपना परिचय दिया। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में मेनन ने भगत को अपनी कुर्सी पर बिठाया। उज्जैन के कुंभ नगरी में बुधवार को एक बार फिर भक्तों के बीच संतों का काफिला निकला। पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन और पंचायती अग्नि अखाड़े की भव्य पेशवाई देखने के लिए लोग तपती दोपहरी में उमड़े। बड़ी उदासीन की पेशवाई में भारतीय संस्कृति की झलक दिखी। कोई पंजाब का भंगड़ा कर रहा था तो कोई गुजराती गरबा। इधर शाम को अग्नि अखाड़े की पेशवाई में संतों के दर्शन पाकर श्रद्धालु निहाल हुए। कटनी मुख्य रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन करीब 32,000 से अधिक यात्रियों का दबाव रहता है। ऐसे में टिकट भीड़ों पर लगी लंबी कतारें और भीड़ के कारण यात्रियों को यात्रा टिकट के लिए ट्रेन आने के पहले घंटे भर तक लाइन में लगना पड़ता है। रेल यात्रियों को हो रही असुविधा को देखते हुए रेल प्रबंधन ने अन्य स्टेशनों की तरह कटनी स्टेशन में जल्द ऑटोमेटिक टिकट बैंडिंग मशीन ATVM लगाई जाएगी। रेलवे स्टेशन पर लगाने के लिए ATVM मशीन मंगाई जा चुकी है, इसे जल्द ही स्टेशन में लगाया जाएगा। मुख्य रेलवे स्टेशन में 6 ऑटोमेटिक मशीनें लगाई जाएंगी, जिसमें 4 मशीनें बुकिंग काउंटर कक्ष में और 2 मशीनें प्लेटफॉर्म नंबर 5 में लगाई जाएंगी। मशीन से टिकट निकालने के बाद यात्री से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह सुविधा मंडल के कुछ स्टेशनों में ही प्रारंभ की जाएगी। और फिलहाल प्रदेश की खबरों के साथ इतना ही। बने रहिए MS TV के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।